हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, कोर्ट जब भी किसी केस में कोई जजमेंट सुनाती है तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको वो ध्यान में रखकर कोर्ट के द्वारा जजमेंट सुनाया जाता है, और अगर कोई व्यक्ति सेम नेचर के दो या दो से अधिक कोई ऑफेंस करता है तो अगर किसी एक ऑफेंस में उस व्यक्ति को जब सजा दी जाती है तो कोर्ट जो सेम नेचर के अदर ऑफेंसेज हैं उनको ध्यान में रखकर जजमेंट सुनाती है या नहीं, इसी बारे में आपको इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता हूं। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अगर सेम नेचर के कोई दो या दो से अधिक ऑफेंस अगर करता है तो ऐसे में जब कोर्ट किसी एक केस में अपना जजमेंट सुनाएगी और पनिशमेंट देगी उस व्यक्ति को जिसने वह ऑफेंस किया है, तो ऐसे में जो अदर केसेस पेंडिंग है सेम नेचर के तो उन्हें ध्यान में नहीं रखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तीन अलग अलग मर्डर केसेस में यह एलिगेशन है कि उस व्यक्ति ने यह मर्डर किए हैं, और ऐसे में जब कोई एक कोर्ट किसी एक मर्डर केस में उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सजा सुनाती है तो ऐसे में वह कोर्ट जो दो और मर्डर केसेस उस व्यक्ति के खिलाफ पेंडिंग है तो उन्हें ध्यान में नहीं रखेगी, क्योंकि ऐसे ही एक सेम केस में एक व्यक्ति के खिलाफ सेशन कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसमें कि उस व्यक्ति के खिलाफ तीन अलग अलग प्रकार के सेम नेचर के ऑफेंसेस थे, और उसमें कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाते समय अपने जजमेंट में यह लिखा कि उस व्यक्ति के खिलाफ सेम नेचर के दो और ऑफेंसेस पेंडिंग है और इसके आधार पर उस व्यक्ति को सजा सुनाई, और सेशन कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अपने जजमेंट में यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ की सेम नेचर के अलग अलग ऑफेंसेस के एलिगेशंस लगे हैं तो ऐसे में अगर कोई एक कोर्ट अपना जजमेंट सुनाएगी तो वह अदर जो अलग अलग पेंडिंग केसेस हैं सेम नेचर के तो उनको ध्यान में नहीं रखेगी, क्योंकि वह ऑफेंसेस पेंडिंग है, वह अभी प्रूव नहीं हुए हैं, और जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एलिगेशन लगा है वह प्रूव नहीं होता है तब तक कोर्ट उनको कंसीडर नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों, अगर जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ जो भी केसेस पेंडिंग है और वह प्रूव नहीं हो जाते हैं कि उस व्यक्ति ने ही यह अपराध किया है तब तक उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, और अगर किसी कोर्ट के द्वारा जब तक कोई केस पेंडिंग है और वह कंसीडर कर लिया जाता है तो वह उचित नहीं है, क्योंकि एलिगेशन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लग सकते हैं और जब तक कि वह प्रूव नहीं हो जाए तब तक उन्हें किसी कोर्ट के द्वारा कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में यही कहा कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एलिगेशन लगा है और वह पेंडिंग है तब तक उसे कंसीडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो भी एलिगेशन लगे हैं वो सही नहीं हो और वो गलत तथ्यों के आधार पर उसके खिलाफ एलिगेशन लगाए गए हो। इसलिए जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी एलिगेशन लगा है और वह प्रूव नहीं हो जाता है तब तक उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जब भी कोई कोर्ट किसी केस में किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई जजमेंट सुनाती है और या फिर किसी व्यक्ति को पनिशमेंट देती है तो ऐसे में कोर्ट पनिशमेंट देते समय उस व्यक्ति की सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा कि जब भी कोई कोर्ट किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई जजमेंट सुनाती है या फिर किसी व्यक्ति को पनिशमेंट देती है तो ऐसे में कोर्ट उस व्यक्ति की सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को कंसीडर करने के लिए यह रीजन दिया कि अगर कोई व्यक्ति जो कि पुअर है और अगर उसके खिलाफ कोई भी एलिगेशन लगाया जाता है तो उस व्यक्ति की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो कोई एडवोकेट कर सके, और ऐसे में बहुत बार यह भी होता है कि कोई व्यक्ति जो कि पुअर है या फिर नीडी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को अपने केस के लिए एडवोकेट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी इनफ मनी नहीं होती है कि वह अपने केस में कोई एडवोकेट कर सके। इसलिए कोर्ट ने यह माना कि जब भी कोई व्यक्ति को कोई भी पनिशमेंट दिया जाता है तो उसकी इकोनॉमिकल और सोशल बैकग्राउंड जरूर देखा जाना चाहिए। दोस्तों, जब भी किसी केस में कोई कोर्ट जजमेंट सुनाती है उस समय उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ की कोर्ट जजमेंट सुना रही है उस व्यक्ति का नेचर भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब भी कोई व्यक्ति जो कि आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ कोर्ट जजमेंट सुनाती है तो उसके व्यवहार को भी जरूर ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, कोर्ट के द्वारा किसी भी केस में जजमेंट सुनाते समय जो भी ऑफेंस हुआ है उस ऑफेंस का नेचर जरूर ध्यान में रखा जाता है कि जो भी एलिगेशंस अक्यूज्ड के खिलाफ लगे हैं वो किस नेचर के हैं, और उस केस से रिलेटेड जो भी एविडेंसेस कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए हैं उनके आधार पर ही कोर्ट के द्वारा जजमेंट सुनाया जाता है। दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट अपना जजमेंट सुनाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।